सपने हुआन पुरुष जगना। नारी और भक्त दोनों ही पतिव्रता होने चाहिए। भक्त पतिव्रता कैसे? भाई भक्त अपने परमात्मा को अपना पति मानता है, भक्त अपने परमात्मा को अपना पति मानता है, पत्नी अपने पति को अपना परमात्मा मानती है, हैं? और शिष्य अपने गुरु को परमात्मा मानता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। तो ये तीनों शिष्य पत्नी और भक्त, इन तीनों को अपने मालिक व्रता होना चाहिए, हैं? पतिव्रता होना चाहिए। नारी का पति परमात्मा है, शिष्य का गुरु परमात्मा है, और भक्त का परमात्मा पति है। तो इनको क्या होना चाहिए? सपने हुआन पुरुष जगनाही। अच्छा, आज की नारी जब एंड्रॉइड फोन मंगाती है तो जैसे ही आदमी ड्यूटी पे गया हो तो वह एंड्रॉइड फोन में पीछे तो देखती क्या है? सपनिया तो छोड़ो, जागृत में ही देख रही है पर पुरुषों को, हैं? सपनिया तो छोड़ो, जागृत में ही, हैं? और उसे कम से कम 2-3 GB तो रोज डाटा चाहिए, 2 GB 2 GB उसे डाटा चाहिए, और उसमें दिनों रात पर पुरुषों का दर्शन कर रही है। और कभी कभी तो ये भी कहती हैं आपस में कि वो फलाना हीरो है ना, मैं उसकी बड़ी फैन हूं। उसकी बड़ी कहां तो अनसुया कह रही है सपने आन पुरुष जगनाई, हैं? और ये तो ऐसी पतिव्रता है कि कबो को अपने पति को मोह देख दे, दिनों रात तो और न कोई मोह देख रही है, और वैसे ना मिल लो बाहर तो फिर फोन में देख रही है, फोन ना मिल लो तो टीवी में देख रही है, देखना दिन और रात, और केवल देखता रह जाए, देख के ही छोड़ दे वहीं के वहीं तो भी कोई बात नहीं। लोचन मग सीता जी राम ही और आनी, और ये जो टीवी और ये फोन देखने वाली लोचन मग, अब आगे नहीं कहूंगा क्योंकि इनका कोई एक तो है नहीं, हैं? और कोई एक की फैन नहीं है, एक आधे की फैन हो, है? एक की थोड़े ही है ये, आपस में बात करेंगे, बोले फर्स्ट नंबर पे मैं उनकी फैन हूं, सेकंड नंबर पे फिर वो आता है। ओ भैया जय हो पतिव्रता, ऐसे ही भक्त यदि अपने भगवान के अलावा कहीं दुनिया में और का चिंतन करता है, भगवान कहते हैं वो मेरा नहीं है। किंकर कंचन कोह काम के वंचक भगत कहाय राम के, हैं? ऐसे ही शिष्य यदि अपने गुरु के सुनाए हुए वचनों के अलावा चाहे परमात्मा ही आ जाए, जैसे पतिव्रता नारी अपने मालिक के अलावा अपने ससुर का भी मुंह नहीं देखती है, जेठ का भी मुंह नहीं देखती है, भाई जब वो पिता समान है, हैं? तो क्या दिक्कत है? लेकिन नियम यह है कि मन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए शिष्य को भी चाहे अपने गुरु से भी और बड़े विद्वान ज्ञानी कोई संत भी मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, सपोर्टर मिल जाए, लेकिन मामला तो गड़बड़ ही होगा। कर्मा कहती है ना, नहीं कर्मा नहीं, कौन है वो? अरे गुरु भक्त हुई है बहुत अच्छी, जिसका हम पंक्ति गाते हैं ना,
हरि छोड़ूं पर गुरु न विसारूं। सहज हो भाई, सहज हो। हरि छोड़ूं पर गुरु न विसारूं, ही गुरु के गुरु न विसारूं। अजामिल अपनी छाती को पीट पीट करके कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती करी है दुनिया वालों, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अपने ऐसे उच्च कुल को कलंकित कर दिया। जो उच्च कुलों में जन्म लेने के बाद जो वैश्यागामी हो जाता है, जो मांसाहारी हो जाता है, जो गुटकाहारी हो जाता है, जो दारूहारी हो जाता है, उसके लिए यहां अजामिल अपने मुख से कहता है, धिगमा विघर्रितम सद्भिर दुष्कृतम कुलकज्जलम। मैं कुल का कलंक बन गया, मैंने अपने ब्राह्मण कुल को भी लजा दिया, मैंने अपने जननी को लजा दिया, मैंने अपने खानदान को, पवित्र परंपरा को कलंकित कर दिया। देख माम, मुझे धिक्कार है, और मैं दुष्कर्मों में चला गया। और एक बात और बताऊं, इस अजामिल की पहले शादी हो चुकी थी, उसको छोड़ दिया था। ये कहता है, हित्वाम वाराम सतीयोहम, जो सती नारी थी, हित्वा मैंने उसको त्याग करके हैं, और सुरापाम असती मगाम, ये जो कुलक्षणी थी, मैं इसके चंगुल में आया, मैंने अपने जीवन को, अपने कुल को, अपनी जननी की कोख को हैं, सबको कलंकित कर दिया। धिक्कार है मेरे लिए, मेरे कुल को मैंने दुष्कृतम कुल कज्जलम, कुल को काला कर दिया मैंने। ऐसा पश्चाताप करके गंगा के किनारे ये भजन करता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।